India. Pakistan. India. Pakistan. India. Pakistan. India. Pakistan. India. Pakistan. आप वर्ल्ड कप भले से हार जाओ लेकिन पाकिस्तान से आपको नहीं हारना है, ये एक तरह से हमारी एक इज्जत का मतलब सवाल हो चुका है। कल फादर डे था तो बाप बेटा को तो हराएगा ही और बहुत बुरी तरह से हराया, ये बहुत अच्छा लगा हमको। कल की मैच जो था कभी भी ऐसा नहीं लगा कि पाकिस्तान मैच में है और फादर डे पर इंडिया ने प्रूव कर दिया कि हमेशा बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, क्योंकि वो लोग सिर्फ बेवकूफों की लगा खेलते रहते हैं, प्रेशर झेलनी पाते हैं। फादर फादर होता है और क्या नाम है बेटा बेटा होता है। जो फादर है वो सब कुछ कर सकता है लेकिन क्या नाम है बेटा वो नहीं कर सकता जो फादर जानता है। तीनों फील्डों फिर हम चाहे बैटिंग हो बॉलिंग हो फील्डिंग हो उसमें इंडिया सुपीरियर है, तो इस वजह से ये कल का मैच ये तो वो था पहले से बता सको ये क्या होने वाला है, कुछ अलग सा रिजल्ट आया नहीं। वैसे भी हारती लेकिन वर्ल्ड कप में उसको हारना तो होता ही है और वो हमेशा हारेगी। उन्होंने बहुत हाथ पैर मारे लेकिन ऊपर वाला भी भारत पर मेहरबान था कि जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी को कहते हैं कि भाई मैं दुश्मन को उसके घर में जाके मारता हूँ, तो वही स्थिति क्रिकेट मैच की भी हुई। ये गेम नहीं होता यार, ये इसको लोग गेम से ज़्यादा बढ़ के कुछ मानते हैं कि यार इंडिया पाकिस्तान का मैच है और हम लोग एक एक, एक फाइट कर रहे हैं, बट ऐसे नहीं होना चाहिए यार। मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा खेल है यार, काफ़ी अच्छा क्रिकेट हुआ कल। प्लीज़ आप लोग कभी भी ये टेररिस्ट का सपोर्ट ना करें, अपने अपने जो अपना कर्तव्य है वो करें, कुछ गलत थिंकिंग ना सोचें और इंडिया के बारे में तो कुछ गलत ना ही सोचें तो बेटर है आपके लिए। पाकिस्तान से तो खैर इंडिया कभी हारी नहीं लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने भी बहुत अच्छी कोशिश करी, बट इंडिया इज़ द बेस्ट, इंडिया ने बहुत अच्छा खेला।